Hello everyone, welcome to Saas Bahu Recipes. सब्सक्राइब कीजिए सास बहू रेसिपीज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मजेदार और डिलीशियस डेजर्ट रेसिपी और वो है वाटरमेलन पुडिंग। ये बनाने में बहुत ही आसान है, आप बस मेरे रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और ये मजेदार पुडिंग आप घर पे आसानी से बना सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। रेसिपी की डिटेल इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 कप वाटरमेलन के चंक्स लिए हैं, इन्हें मैंने डीसीड कर लिया है। तो अब मैं इन वाटरमेलन के चंक्स की प्यूरी बना लूंगी। अब यहाँ मैंने वाटरमेलन के चंक्स की प्यूरी बना ली है और चाइना ग्रास को 15 मिनट के लिए पानी में भिगो लिया है। अब सबसे पहले बनाएंगे हम हमारा रेड लेयर। इसे बनाने के लिए एक सॉस पैन में लेंगे हम 1/2 कप पानी और इसमें ऐड करेंगे 8 ग्राम अगर अगर। इस अगर अगर को 15 मिनट के लिए मैंने पानी में भिगो के रखा था। इस अगर अगर को हम पानी में पूरी तरह घुलने तक अच्छी तरह पका लेंगे। हमारा अगर अगर अब पानी में पूरी तरह घुल चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शक्कर। शक्कर को हम पूरी तरह पिघला लेंगे। हमारी शक्कर और अगर अगर अब पूरी तरह पानी में घुल चुके हैं तो अब हम इस मिक्सचर को ऐड करेंगे हमारे वाटरमेलन के प्यूरी में। इस मिक्सचर को वाटरमेलन के प्यूरी में हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को ऐड करेंगे हमारे मोल्ड में। अब इस पर मैं स्प्रिंकल करूंगी ये मस्क मेलन सीड्स और इस रेड लेयर को सेट होने के लिए मैं 1 घंटे के लिए इसे रेफ्रिजरेट करूंगी। 1 घंटे में हमारा ये लेयर अच्छी तरह सेट हो जाएगा। 1 घंटे बाद हमारा ये रेड लेयर अच्छी तरह सेट हो चुका है तो अब हम बनाएंगे हमारा सेकेंड लेयर और वो है वाइट लेयर। इसे बनाने के लिए एक सॉस पैन में लेंगे हम 1 कप दूध। इसमें हम ऐड करेंगे ये 4 ग्राम अगर अगर। इस अगर अगर को 15 मिनट के लिए हमने पानी में भिगो के रखा था। अगर अगर को हमें दूध में पूरी तरह घुलने तक अच्छे से पका लेना है। हमारा अगर अगर अब पूरी तरह पिघल चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शक्कर। इसे भी पूरी तरह पिघला लेंगे और ऐड करेंगे 1/2 कप कंडेंस मिल्क। इसे अच्छी तरह हम दूध में घोल लेंगे। ये हमारा सेकेंड लेयर यानी कि वाइट लेयर अब पक चुका है तो अब हम इस वाइट लेयर को ऐड करेंगे हमारे अच्छी तरह सेट हुए रेड लेयर पर। छन्नी की मदद से इसे हम इस तरह ऐड करेंगे और इस लेयर को भी हम रेफ्रिजरेट करेंगे और सेट होने के लिए 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। अब 1/2 घंटे बाद हमारा वाइट लेयर अच्छी तरह सेट हो चुका है तो अब हम बनाएंगे हमारा थर्ड लेयर यानी कि ग्रीन लेयर। इसे बनाने के लिए हम एक सॉस पैन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। इसमें हम ऐड करेंगे 4 ग्राम भिगोया हुआ अगर अगर। अब इस अगर अगर को हम पानी में पूरी तरह घुलने तक पका लेंगे। अगर अगर अब पूरी तरह पानी में घुल चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शक्कर। इसे भी अच्छी तरह पिघला लेंगे
और अब आगे हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून खस सिरप। तो इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारी ग्रीन लेयर अब पक्के तैयार हो चुकी है और हमारी व्हाइट लेयर भी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। तो अब हम इस ग्रीन लेयर को ऐड करेंगे हमारे प्रॉपरली सेट हुए व्हाइट लेयर पर। अब हम इन तीनों लेयर को प्रॉपरली सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे और फिर इसे हम डीमोल्ड करेंगे। अब 1 घंटे बाद हमारी वाटरमेलन पुडिंग अच्छी तरह सेट हो चुकी है। सबसे पहले हम इसे साइड से इस तरह लूजन कर लेंगे ताकि ये आसानी से डीमोल्ड हो। इस तरह ट्रे को रखेंगे और इसे फ्लिप कर लेंगे। ये प्रोसीजर हमें फास्ट करनी होगी। इसे हल्का सा टैप करेंगे और ये हमारी वाटरमेलन पुडिंग डीमोल्ड हो गई है। जरूर एक बार ट्राई कीजिए ये टेस्टी और डिलीशियस वाटरमेलन पुडिंग। अब देखते हैं वाटरमेलन पुडिंग बनाने के इंग्रेडिएंट्स। वाटरमेलन पुडिंग की रेड लेयर बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 कप डीसीडेड वाटरमेलन चंक्स, 1/2 कप पानी, 8 ग्राम अगर अगर, 2 टेबलस्पून शक्कर, 1 टेबलस्पून मस्कमेलन सीड। वाटरमेलन पुडिंग की व्हाइट लेयर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप दूध, 4 ग्राम अगर अगर, 2 टेबलस्पून शक्कर, 1/2 कप कंडेंस मिल्क। और वाटरमेलन की ग्रीन लेयर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप पानी, 4 ग्राम अगर अगर, 2 टेबलस्पून शक्कर और 2 टेबलस्पून खस सिरप। आप हमारे चैनल